24/7. बाजार इलाके में आज मुर्तजा नगर में बस्ती दवाखाने का इफ्तिताह हुआ। नकीब इमलत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर यह इफ्तिताही तकरीब मुनक्द की गई थी और इस दवाखाने के लिए भी सदर साहब काफ़ी हुकूमत को तवज्जो दिलाए थे। याकूतपुरा असेंबली हल्के में तकरीबन हर बल्दी डिवीज़न में दो दवाखाने कायम हुए हैं और काफ़ी तादाद में लोग इससे इस्तेफादा कर रहे हैं। हुकूमत की तरफ से ये जो बस्ती दवाखानों का अहतमाम किया गया है सलम इलाकों में, ये बेहद ज़रूरी था क्योंकि ये गिरानी के दौर में बीमारी भी बड़ी महंगी हो गई है और लोगों के गरीब लोगों के पास कुव्वत खरीद बाकी नहीं है। दवाओं के सिलसिले में दवाएं भी महंगी हैं तो उस गरीबों के लिए दवाखाने बेहद मुफीद साबित हो रहे हैं और हम अभी इसका इफ्तिताह यहाँ के मेडिकल स्टाफ का भी हम शुक्रिया अदा किए। ये नई बिल्डिंग इसी गरज से दवाखाने की नीयत से तामीर की गई थी। इंशाल्लाह यहाँ हमारे इस इलाके के मजलिस के सदर जनाब तजम्मुल साहब और ख्वाजा मियाँ साहब, उनको इसकी जिम्मेदारी है कि वो इस दवाखाने को संभालें, यहाँ के लोगों की रहनुमाई करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे इस्तेफादे का मौका दें। और इफ्तिताही तकरीब में एरिए के कारपोरेटर जनाब बासुद्दीन साहब भी हमारे साथ हैं, इफ्तिताही के सुदूर मुतमिन सब लोग। इंशाल्लाह पूरे दवाखाने काफ़ी अच्छे तरीके से चल रहे, काफ़ी तादाद में लोग आ रहे हैं दवाखानों पे। इंशाल्लाह आज से यहाँ पे भी इतना अतराफ वकनाफ के लोग काफ़ी यहाँ के यहाँ रुजू होंगे, अपनी सेहत के लिए मुआयने कराएंगे, दवाएं लेंगे, इलाज कराएंगे। ये भी दवाखाना मुर्तजा नगर का कामयाबी के साथ चलेगा इंशाल्लाह। तो शुक्रिया, अभी उसका ऐलान नहीं हुआ, मेडिकल ऑफिसर से हमारे श्वेता मैडम से पूछेंगे। सर इसके अवेयरनेस के लिए क्या प्रोग्राम का इरादा है सर मलिक की तरफ से? अभी तय नहीं करे करके बोलिए। नमस्ते, मैं डॉक्टर श्वेता, मेडिकल ऑफिसर ऑफ यूपीएचसी याकतपुरा वन। पूरे लोग को मेरा नमस्ते है। आज एक याकतपुरा के कॉन्स्टिट्यूएंसी में रेन बाजार में एक नया मुर्तजा नगर प्ले ग्राउंड में बस्ती दवाखाना खुला है और इसका डॉक्टर डॉक्टर सुमैया है। और इधर आज ये बस्ती दवाखाना रेस्पेक्टेड एमएलए सर, काशा पादरी सर और कॉरपोरेटर वसीउद्दीन सर ओपन करे और इधर पूरा फैसिलिटीज़ है। और ये यूपीएससी का टाइमिंग्स 9 to 4 है। इधर पूरा रेगुलर मेडिसिन जो भी यूपीएससी में मेडिकल सर्विसेज है पूरा इधर भी होते और एएनसी सर्विसेज भी है और इम्यूनाइजेशन सर्विसेज भी इधर होता छोटे बच्चे लोग को टीका और ये कोविड वैक्सीनेशन का सर्विस भी इधर है। और आप लोग पूरा अब थर्ड वेव आने का तो हम लोग को पूरा बाहर ऐलान हो रहा, सो इस वास्ते जो भी इधर फर्स्ट डोज वैक्सीन लिए उन लोग सेकंड डोज वैक्सीन लेना चाहिए और जो भी नहीं लिए उन लोग वैक्सीन देना मैंडेटरी है। बहुत सारे लोग कोविड चले गया बोल के समझ ले रहे हैं, मगर मास्क आप लोग कंपलसरी मास्क पहन लेना, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड करना और कंपलसरी वैक्सीनेशन लेना। और इधर आपको ये बस्ती दवाखाना में हर एक सहूलत है, पूरे जो भी जनरल प्राइमरी इलनेस है वो पूरा का मेडिसिन भी इधर अवेलेबल है, छोटे बच्चे का वैक्सीनेशन भी हम लोग इधर कर रहे और कोविड वैक्सीनेशन का भी फैसिलिटी है और 9 to 4 हमारे टाइमिंग है, हम लोग आपको सर्विस करने के वास्ते रेडी है और पूरा पब्लिक आप लोग ये यूटिलाइज कर सकते हैं। बोले तो ये कंप्लीट ब्लड पिक्चर, शुगर टेस्टिंग, हाँ, और LFT RFT बोले तो लिवर फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट, हाँ, फास्टिंग, पोस्ट लंच ब्लड शुगर लेवल्स करवा सकते, थायराइड प्रोफाइल का भी फैसिलिटीज है। हर एक जो भी यूपीएससी में है वो बस्ती दवाखाना में भी अंडर तेलंगाना डायग्नोस्टिक्स में आप लोग फ्री में आपको पूरा हम लोग लैब टेस्ट करवाने का सहूलत भी इधर है, इमरजेंसी ड्रग्स वो भी है इधर पूरा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सुमैया है, मैं यहाँ पे मुर्तजा नगर बस्ती दवाखाने के लिए न्यूली अपॉइंटेड डॉक्टर हूँ। मैं यहाँ पर हमारे बस्ती दवाखाने में तेलंगाना डायग्नोस्टिक्स मतलब पूरे ब्लड टेस्ट फ्री में अवेलेबल है
और सारे मेडिसिंस जैसे बुखार, सर्दी, खांसी, बीपी, शुगर वगैरह के सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, टैबलेट्स अवेलेबल है, बीपी चेकअप, शुगर चेकअप के मशीन्स अवेलेबल है, प्रेग्नेंट लोगों का भी चेकअप होगा फ्री में, और छोटे बच्चों के वैक्सीन्स भी दिए जाएंगे एवरी वेनसडे इंशाल्लाह, और कोविड वैक्सीन का भी कैंप का भी अवेलेबिलिटी है, पेशेंट्स के रिक्वेस्ट पे यहाँ पर कैंप्स भी लगेंगे कोविड वैक्सीन के। हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के एरिया की सर्विस करने की पूरी कोशिश करेंगे, आपका भी सपोर्ट की भी उम्मीद रखते हैं। यहाँ पे 9 to 4 की टाइमिंग्स है, सुबह में 9 बजे से 4 बजे तक डेली डॉक्टर स्टाफ नर्स अवेलेबल रहेंगे इंशाल्लाह, पूरी कोशिश है कि आपकी सर्विस करने की कोशिश। वो जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके और हमारे दरमियान में मौजूद है। आप तमाम अहलिया ने महिला से अदबन गुजारिश की जाती है कि वो इस दवाखाने के ओपन में शिरकत फरमाए। अभी कुछ ही देर में वो जो वैक्सीन नहीं लिए हैं वो ले लेना, जो एक लिए हैं वो दूसरा भी ले लेना, और ये तसव्वुर करके कि नहीं अब कुछ भी नहीं है नहीं लेंगे, मुस्तकबिल में खुदा ना खास्ता आपको कोई मुश्किल में